वेलकम टू द चैनल। आज का हम लोग वीडियो बना रहे हैं जो ऑयल लीकेजेस होता है हेड की तरफ से, वो कैसे ठीक करें परमानेंटली विदाउट यूजिंग सिलिकॉन। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स देने वाला हूँ। चलो देर ना करते हुए आज का वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी पुराने गैसकेट हैं चिपका हुआ है सरफेस के ऊपर, उसको अच्छी तरह से साफ करिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके लिए आप कोई भी ब्लेड ले सकते हो कटर का। जो थोड़ा कुछ गैस्केट बचता है वो क्लीन करने के लिए आप पेपर यूज़ कर सकते हो। ध्यान में रखें, जब तक आपका सरफेस अच्छे से क्लीन होगा नहीं तब तक वो अच्छे से सील नहीं करेगा। कंप्लीट सीलिंग के लिए अच्छे से साफ होना ज़रूरी है। चलो हम लोग अभी ब्लॉक का, सिलेंडर ब्लॉक का टॉप सरफेस अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि लैपिंग चालू कर सकें। इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं लैपिंग। लैपिंग के लिए हम लोगों के लिए चाहिए एक ग्लास का पीस बड़ा सा, जिसका सरफेस एकदम क्लीन हो और स्मूथ हो। बाद में लैपिंग पेस्ट फाइन वाला, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा डीप कट नहीं चाहिए। थोड़ा सा लूब ऑयल, ग्लास को थरली क्लीन कर दीजिए। उसके बाद हल्का सा लैपिंग पेस्ट लगाइए उसके ऊपर, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, और हल्का सा लूब ऑयल। लूब ऑयल यूज़ करते हैं ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए करके, ज़्यादा डीप स्क्रैचेस ना आए और अच्छे से पॉलिशिंग, मतलब फिनिशिंग अच्छा से आ जाए। हेड को उसके ऊपर रख दीजिए और उसको आर्ट के शेप में मूव कीजिए, एट के शेप में मूव कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि इवनली वो लैप हो जाए। हर थोड़े देर के बाद सरफेस को अच्छे से क्लीन करके देख लीजिए कि रेडी हुआ है कहीं करके नहीं। लैपिंग तब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक सरफेस पूरी तरह से रेडी ना हो जाए। एंड में ऐसे ऑयल लगा के अच्छे से सरफेस को क्लीन करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग सिलेंडर हेड का बॉटम सरफेस रेडी करेंगे, उसको भी सेम प्रोसीजर में लैप करेंगे। उसको भी अच्छे तरह से लैप हो करेंगे ताकि वो जो आपका ब्लॉक का टॉप सरफेस है उसके साथ अच्छे से मैच करे और सील करे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वाल असेंबली निकाला हुआ है हेड का, बिकॉज मैं इसका वाल्स भी ओवरऑल कर रहा था। आपको लैपिंग करने के लिए वाल के असेंबली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप वाल असेंबली के साथ भी लैप कर सकते हो। लैपिंग कंप्लीट होने के बाद उसका सरफेस ऐसे दिखेगा, एकदम क्लीन। चलो इसको अभी फीडबैक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं विदाउट सिलिकॉन यूज़ किए हुए इसको असेंबल कर रहा हूँ, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, उसका सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा।
इसी के साथ हम यह वीडियो ख़त्म करते हैं।